المقيم نعم المولى ونعم النصير صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات والسلام على أخيه ووصيه ووارث علمه علم الأولين الذي كلا في شانه القرآن معلي وعلي مع القرآن صلوات بعض بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بہترین دین پسندیدہ دین اسلام ہے خوش قسمت ہے شیعہ کہ اللہ نے اساکوں اے شرف بخشے کہ قوم تشیع ہر سال اپنے محسن دا شکریہ ادا کریں دی جتنا بھی قوم موجود ہیں سال دا آغاز تماشے نال کریں دین شور شرابے نال کریں دین پوری کائنات اچ واحد قوم تشیع ہے اپنے سال دا آغاز غم حسین نال کریں امام حسین صرف شیعہ دا امام نہیں امام حسین ہر اس غیرت مند دا امام ہے جس دے اندر رشتے دی پہچان موجود ہے جو رشتے دی پہچان پریشان تو نہیں ہو بابا جو رشتے دی پہچان کر سکدے او جس مسلک نال تعلق نہیں رکھیندا کیوں نہیں رکھیندا
उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए है हुसैन इब्ने अली का। और अगला शर्फ इज्जत और मकाम अल्लाह ने जो हुसैन इब्न अली को अता किए थे एक कहीं को नस्पीता क्या ये जिस बार गए तो सब बैठे हो ना जिनको इमाम बारगाह आ दो एक कम ऐसा है जेंदे विच इमाम हुसैन अपने खाले के हकीकी तो मुनफरिद मकाम रखें दे पूरी जिम्मेदारी ना मस्जिद अल्लाह दा ओ घर है जिथा सिर्फ कलमा गो आ सकदे गैर मुस्लिम मस्जिद च दाखिल नहीं थी सकदा। मेरा शिया सुनी भाइया मजले से हुसैन उस जगह का नाम है इमाम बारगाह उन जगह का नाम है जिथा हर बाज़मीर आ सकदे इमाम बारगाह चवन वास्ते कोई कैद नहीं हत्ता के गैर मुस्लिम भी इमाम हुसैन को इस वजह तो मने दें कि सारे दरमियान ये रिश्ते वाली पहचान हुसैन इब्ने अली ने कराई है। अल्लाह की इस कायनात सारे भाइयों की एक पहचान है उन्होंने कोल एक मियार है असा शियां कोल भी एक मियार है परेशान तो नहीं होना बाबा तुम्हारी तवज्जो मेरे पास है सलवात बाबा दे बुलंद पढ़ो अल्लाहुम्मा असादे भाइयों कोल एक मियार है उन्हां कोल एक फिक्र पाती वेंदी है कि अल्लाह इत्थां तां नज़र नहीं आंदा अल्लाह कयामत च नज़र आसे सोहनी शकल रखेंदा उसे जिस्मो जिस्मानियत हिस कुर्सी ते भी बहसे शक्लो सूरत आला खुदा है ए फिक्र ए मियार साडे भाइयों कोल मौजूद है साको मजले से शब्बीर ने दसिए अल्लाह ओ है जिस दी ना इब्तदाए ना इंतहाए अल्लाह या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा असाफू है मजले से शब्बीर ने दसे मजलूम है करबला ने दसे इस मजले से आए से साको पता लगे असादा कुछ मियार थोड़ा बुलंद है असा ऐसे खुदा दे बिल्कुल कायल ना जेड़ा खुदा जिस्म रखें दे हो से कहीं बैदा खुदा है असा शियां दा ए खुदा सारे भाइयों को एक और मियार है नबूवत के बारे भी एक मियार रखे ने कि नबी उस हस्ती को आ दें जेड़ा 40 साल तक नबी ना हा 40 साल बाद वही आई सिलसिला नबूवत शुरू होया ता रसूल बड़े ए भाइयों कोल फिक्र और मियार मौजूद है तशय्यो कोल मियार है कि अल्लाह ने पूरी कायनात मुस्तफा दे सदके बढ़ाई है
उत्थां एक मियार है कि नबी 40 साल तक कुछ ना जानते, उम्मी अन अनपढ़ असा मजले से शब्बीर आए से जाकिर साहेब मौली साहेब ने ए बयान की ते ना अन नबीओ नबीओन वलो काना सबिया नबी नबी होंदे चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। इमामत के बारे भी असर भाइयों को एक मियार मौजूद है क्या? अच्छा एक होर मियार भी है, असरे भाई बड़ा जोर शोर ना फख्र गुवाहत ना ये बयान करेंगे और करना चाहिए बिल्कुल इवें हे जाहिरन सारे भाई बयान करेंगे कि बाबा सहाबा किराम उन्हां हस्तियां दा नाम है अल्लाह ने उन्हां को वो मकाम अता कीते और देखो पैगंबर खुदा दे नाल सुते हुए एडी इज्जत ते मकाम अल्लाह ने उन्हां को दिते। मैं आदा मेरा भाई ये तेरा मियार है कि सहाबी रसूल नाल सुते हुए कदा वक्त मिली असा शिया तू तो पुछ सादा मियार कितना बुलंद है और जे को मैं मने उन्दे कठे नबी सुते हुए ना ना तवज्जो तवज्जो नहीं आदे मौला थोड़ी जा तेरे कोल मियार जी अल्लाह तेरे कोल मियार है कि सहाबा नबी दे कठे सुते हुए साडे कोल मियार है अली दे कठे नबी सुते हुए भाइयों कोल मियार है सहाबा ने नबी को चाहे बड़ी अजमत बयान कीती वेंदी है और करनी चाहिए लायक तारीफ है ए गल क्या कि जै चाया उंदी इज्जत वध गई उंदा मकाम वध गया उंदी अजमत वध गई। मैं आदराना मेरे भाई ये तेरे कोल मियार है साडे कोल मियार ए है जे को असा मन्ने उन्हां को नबी चाहे जी जी साडे कोल मियार है कि जे को असा मन्ने उन्हां को नबी चाहे। अच्छा चलो एक गल होर भी कर के ना अगर तेरी तवज्जो होवे तो एक वाकया साडे में तमहीद अज ज़हरे पहला दिन जो है मैं कोशिश करे सावणा सबक दुरुस्त कर के ठीक हो सारे भाइयों को बड़ा बयान किया वेंदे जी एडी मोहब्बत है कि हसन मौला जो आखे तुसा तो सारे गुलामे दी औलाद हो तो साहेब ने आखे वन लिखवाइया मेरे को इस रिवायत की सीहत या आदम सीहत सही होवना या ना होवना मैं इस बारे नहीं वेंदा इतना तो ते को जरूर आदा जेड़ा मंगदा वदे हो को सहाबी आ देन जेड़ा देंदा वदे हो को अहल बैत आ देन कम अज कम सहाबा तो ये महसूस किया उन्होंने दुनिया को यह पैगाम दिता कि सहाबी जन्नत मंगण आले अहल बैत जन्नत देवण ये मियार साको सहाबा दसे कि अहल बैत कौन हैं सारे भाइयों के नज़दीक मियार है कि क्या अजमत आले लोग हैं वो सहाबा के पैगंबर के दरवाजे ते आवेंदे हैं दिल च इतना मोहब्बत हाने जदा फारिग थी वेना वत रसूल दे दरवाजे ते आवेंदे हैं आया ततहीर पढ़दे हैं नबी इजाजत देंदे हैं नबी दे घर आवंजे ना नबी नाल बहना हाल अहवाल पूछे ना दीनी मालूमात घिने ना मसाइल पूछने हैं। मैं आदा राना ओ मेरा भाई जरा तशय्यो दा मियार देख तैं उन्हां दी पैरवी कीती जेड़े नमाज पढ़ने दे बाद रसूल दे दरवाजे ते आखड़दे हैं
असा उन्हां दी पैरवी कीती है नमाज दे बाद जिन्हां दे दरवाजे ते रसूल वज खड़दा। या रसूल अल्लाह जी एक मियार है और फाकर मुबाहत ना मैं कोई तनकीद किसी ते ना आदिया ना कर रहा, मैं सिर्फ फर्क बयान कर रही हूं साढ़े मनने च फर्क कितने। हर कहीं को हक हासिल है वो जिस दी पैरवी करे उनको हक हासिल। अच्छा इतने एक और जुमला भी आगे ना सहाबी दी तारीफ क्या है, सहाबी जेड़े सोहबत पैगंबर च बहंदे रह गए मरदे दम तक ऊ वफादारी ते कायम रही हैं ओ सही सहाबी हैं ओ मुहतरम हैं ओ मुकर्रम हैं। लेकिन अगर नाल बहन आला सहाबी बढ़ दे तो गदन आला इंसान को फिक्र बुलंद करनी चाहिए दिए। अगर नाल बहन आला सहाबी है तो पैगंबर दे पहले सहाबी को अबू तालिब हदन ना ना। अगर नाल बहन आला सहाबी है तो रसूल दा पहला सहाबी अब्दुल मुत्तलिब है। अगर नाल बहन आला सहाबी है तो पहला सहाबी हमजा है, जाफर है, तैयार है, हजरत अकील है जी। अल्लाह या रसूल नारे हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत दुश्मन ते लानत बेशुमार, अहले बैत दुश्मन ते लानत बेशुमार, मेरी दी हफ्ज़ो मान दी खातिर बाबा दे बुलंद सलवात अल्लाहू सलामत रहो। अगर साथ बहन आला सहाबी है तो रसूल दा पहला सहाबी हजरत अबू तालिब है। थोड़ी तवज्जो है ना मेरे पास, यकीनन गर्मी हो से लेकिन ये जिक्र हुसैन है और ये किसी मौसम का मोहताज नहीं, कहीं पाबंदी का मोहताज नहीं। वड़ियां वड़ियां पाबंदियां लगियां ये जिक्र ना रुकिया। मौसम ऐसे आए कि इस उत्ते असरअंदाज ना हो सके। तो बहरहाल एक मेयार है असारे भाइयों कोल और सारे कोल के सहाबे किराम उन्हां हस्तियां दा नाम है। ऐसे भी हैं जिन्हें को असहाबुल यमीन आख्या गए, सब तो पहले जन्नत च वञण वाले लोग, सारे तो पहले जन्नत च अज दा शिया भी वञ सकदे, ए भी जन्नत वञ सकदे, जेड़ा चाहदे मेरी कोठी अहल बैत दे नाल होवे, मेरे मकानात मेरा रकबा आले मुहम्मद दे नाल होवे, जेड़ा चाहदे मेरे को जन्नत च नहरी रकबा मिले जेंदे च नहरा होवन, दुध दियां नहरा, शहद दियां नहरा जी, जिथा नौकर होवन। अज दा मोमिन अगर चाहदे हो रकबा मिले तो दुनिया ते जिंदगी उए गुजारनी पोसेस जिवें अली चाहदे। जे अज नहरी रकबा मिल सकदे, जन्नत च कोठी मिल सकदी है जी, नमाज करीब ना बनजे, आखे कोठी में को जन्नत च मिले ये नहीं थी सकता जी। शराब भी पीती रहे आखे मकान जन्नत च मिले ये नहीं थी सकता। मोमिन दी तौहीन ही कीती रहे आखे मकान जन्नत च मिले
ये नहीं हो सकता जी। धिया दे हाथ ही खादी रहे आखे कि जन्नत च मकान मिल से, कोठी मिल से, नहरी रकबा मिल से, ये नहीं हो सकता। सलवात बाबा दे बुलंद पढ़ो। जी नाल बहन आला सहाबी होंदे और ऐसे भी हैं जिन्हां दे बारे अल्लाह दा कुरान आ दे यो खादिउन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ऐसे भी हैं फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा दे मिसदाक भी हैं। अल मुनाफिकून सूरा जिन्हां दे बारे आई है ऐसे भी हैं। मेरा मेहरबान साडे भाइयों को मियार मौजूद है जिनको रसूल रिश्ता देते। पैगंबर खुदा मेराज से गए और मेराज लंबा एक वाक्य है। साडे भाई रसूल दी रूहानी मेराज दे कह लें कि नबी दा जिस्म कह नहीं गया, नबी दी रूह गई है मेराज ते। सारे अहले सुन्नत विरावें दा अकीदा है कि रसूल को जिस्मानी मेराज नहीं थिया, रसूल को रूहानी मेराज थे। मैं आदराना मेरे भाई 0.2 पॉइंट इंसान ने दिमाग को इस्तेमाल किते अज दी साइंस आ दी है। इह जिया चीज़ा बनाया न बंदे ने कि उन्हां ते बहते ते चन ते आबाद वन किते से चन को एक साइंस ने बंदे ने ऐसी चीज ईजाद की थी कि इंसान कितना पहुंच गया, चंद ते पहुंच गया। अल्लाह कुरान चादे घिन वन आला मैं खुदा, हम वन आला अब्दुल्ला दा पुत्र मुस्तफा। बरहाल नबी मेराज से गए, एक सेब मिलया, रसूल ने उस सेब खादा, वापस वल्ले नूर फातमा पैगंबर तू खतीजतुल कुबरा दी तरफ मुंतकिल होया। मुख्तसर बस इतना होने को कर सकदा वी जमादियो सानी आई। अल्लाह ने अपने मुस्तफा को जहरा जैसी बेटी अता की। चंदे दी अपील है तमाम मोमिनीन हिस्सा मिला गिनसो और सलवात भी बाबा दे बुलंद पढ़ दो। अल्लाह पर्देदार भी कोशिश करे सन हिस्सा मिले सन, किसी बच्चे को खड़ा करके और अपना जरूर हिस्सा मिलो मिशन मजरू में करबला। बेटी का बोसा गिंदा है ना रसूल फरमा में ना फातमा जना तेरा बोसा गिंदा मेरे को जन्नत की खुशबू महसूस थी। उस मंजिल तक बीवी पहुंची। अरब दे लोग रिश्ता मंगने की ख्वाहिश करन लगे। आखिर ते अब्दुर्रहमान बिन औफ आया, पैगंबर दे कोल आया। रिवायात मिलते
असी उठ लड़ी वदा रेशम नाल चार हजार अशरफियां चाहिए वदा सोने दिए। नबी दे कोल आया आखन लगा तुसा सारे को रिश्ते घिन सकते हो, क्या मैं तेरे को रिश्ता ना घिन सकता, मैं तेरी बेटी रिश्ते वास्ते आया। रसूल ऐसा कि जो कायनात वास्ते रहमत बनते आया, पैगंबर दे सामने पैहन पत्थर, रसूल मुठ भरी है, इंदे मुंह ते मारते आदन अमरोहा इला रब्बे हां, ते को कई आखे जो बेटी दा रिश्ता मेरे इख्तियार च है, मेरे इख्तियार च नहीं है, मेरे अल्लाह दे इख्तियार च है। इस रिश्ते दा मालिक मैं मुस्तफा नहीं, मैं आदर ना अल्लाह दी कायनात च। ये पहला रिश्ता है जिस दी खुशी आज ते भी थई है, फाश ते भी थई है। अर्श ते मलाइका दी साफिच, फर्श ते हुक्म होया मेरा हबीब, मलाइका दी साफिच खुशी हो चुकी। मैं अल्लाह ही में चाहना कि सहाबा दी महफिल च अपनी बेटी दा रिश्ता मेरे अब्द खास अली दाल जमीन ते तू कर। मैं आदर आना है वाहिद रिश्ता जो आसमान ते बढ़िया। अजकल तो हर बंदा उलमा तो सुनते रहते हो, गरीब तो गरीब बंदा कार्ड छपवे सी तो लिखी खड़े, बेशक रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। यानी ये जोड़ा अल्लाह ने आसमान ते बढ़ाए, जेड़ा जोड़ा अल्लाह आसमान ते बढ़ेंदे ठीक 6 महीने बाद उनकी तलाक अदालत थी वेंदी है। जब बढ़ाया अल्लाह ने रिश्ता है तो जज ने तलाक दी क्यों है? अगर रिश्ता जोड़िया खुदा है तो जज ने तलाक क्यों दी है? कोई रिश्ता नहीं, हिको रिश्ता है जरा अर्श से होया। तो बहरहाल अब्दुर्रहमान बिन औफ और कुछ बाकी लोग चले उस जगह थे जिथा मेरा मौला अली खड़े है, और कुछ तो बयान करे कि मौला एक यहूदी वाले बाग खड़े हैं। मैं आदराना हर कहीं दी अपनी एक सोच और फिक्र है, मैं आदराना बेशक मेरा मौला बाग जरूर खड़े हैं, लेकिन मैं समझदा मेरा मौला किसी यहूदी का मजदूर ना आई तकसीम दे वेले ए यहूदी वाला बाग मेरे मौला दे हिस्से च आया। कुछ लोग आदि के अली यहूदी का मजदूर ही नहीं। मैं आदर आना अपनी मजले से कि जिमें खूह तकसीम होंगे फुलां आला फुलां आला, बस समझ करो फुलां आला खूह। मैं आदर आना है यहूदी अला बाग, दर हकीकत मेरे मौलद अपना ये लोग पहुंचे सलवात बाबा दे बुलंद तक इवें जिंदगी गुजरे सो। ये थोड़ी उम्र है, शादी करो आ जै रसूल दे घर रह दो, उस रसूल दी बेटी जवान हो चुकी, तुसा रिश्ता मंगो आ। अली मौला आखन लगे मैं जै रसूल दे घर रहना हूँ, रसूल तू किवें रिश्ता मंगा? अगली गल ये करन लगे, जाहिर मैं आधा रहना मुमकिन है आखा उन्होंने धियां आले कोल टुर वनीदा हुई दे, मुमकिन है रसूल तेरे इंतजार छो में सारी कुछ इनकार करें दे बैठे। टुर पिया अली नबी दे दरवाजे ते आया, अली कुंडी खड़कई, रसूल अंदर बैठे, दई को सद के आदन दई दरवाजे ते लगी वन वन देख दरवाजा खोल ते अंदर घिन आ, मेरे दरवाजे ते ओ बंदा आया खड़े जिड़ा बाद में मुहम्मद दे अफजल तरीन बंदा है।
मेरे शिया सुनी भाई हो, अली मौला ने दरवाजे ते रुक के तेकू ते मेकू पैगाम लीते सके भिरा दे दरवाजे ते बन्यो, पहले कुंडी खड़काओ, इजाजत मिले ता अंदर लगे वन्यो, इजाजत ना मिले ते अंदर ज़ाहिर है तुसा मुमकिन है कोई जज्बाती तकरीर दे आदि हो, वो मैं हमेशा ही में ही गल करन दा आदि हाँ। अल्लाह तक सलामत रखे मजलिस हुसैन होंदी है जी। ओ मेरे भाई सके बिरा दे दरवाजे ते वेंदा है, उस दे अंदर जिहड़ियां होंदियां हैं तेरियां भतीजियां, ओ तो तेरियां रिश्तेदार हैं, पर तेरे बिरा दी घर आली तेरी रिश्तेदार नहीं। ओ रिश्ता नहीं जेड़ा रिश्ता ओ भतीजा आला तेरे नाल रिश्ता है। ठीक हो गया। अली मौला ने रोक के पैगाम लिता, कुंडी खड़काओ फिर अंदर वंजो, बस अली मौला पहुंचे, गल शुरू की थी, खामोश हो गए। रसूल फरमाया तो रोक, मैं बेटी को पूछा। नबी बेटी को लाए, गल शुरू की थी, बेटा तेरे रिश्ते वास्ते मेरे कोल ओ बंदा आया खड़े जो बाद में मुहम्मद अफजल तरीन बंदा है, यानी अली इब्न अबी तालिब। बीबी खामोश हुई है, मैं आधा राना ए निकाह दे वेले खामोशी दा सिलसिला, निकाह दा जड़ा हिस्सा बढ़िया और इसे बीबी तू शुरू होया। मैं आधा राना इन्हां दे किरदार को कुरान आ दे जी। हुण पैगंबर पूछा इथू पैगाम है उन्हां लोगां वास्ते जेड़े कोठियां बनवेंदे ते नहीं देखदे इंदे च पैसा हलाल दा है ते भावें हराम दा, नहीं देखदे यतीम दा है या बेवा दा, नहीं देखदे हक भिरा दा मारी पिया या भेण दा, ओ जेड़े कोठियां बनवा खड़े ने नहीं देखदे इंदे च खुम्स कढ़िए ज़कात दित्ती है या नहीं दित्ती, ए भी चेक नीने कीता रकबा कहिदा खान सरदार जो हा वला ते ते कोठी बड़ा खड़ा ये से हुण मुसल्ला भी सही ते इबादत खड़ा करे ना ओदे अल्लाह या दे हया करे आ जिथा नमाज खड़ा पढ़ दी ये तेरी जा नहीं। याली कोई पैसे हेन वे ना या रसूल अल्लाह पैसे कहें, एक घोड़ा है, एक तलवार है ते एक जीरा है, ये त्रै चीज़ा मैं अली को मौजूद हैं। रसूल फरमाया घोड़ा और तलवार रहन दियो, जीरा बेच छोड़ो। 500 दिरहम दी विकी, जेड़े लोग आदन के शिया सहाबा को नहीं मने दे ना, मेरा भाई जरा आ सारी मजले से पैगंबर ने सदे बिलाल ते सलमान को, रसूल फरमाए ए हेन वे पैसे बाजार च लगे वंजो, मेरी बेटी दा जहेज घेनो। जिम्मेदार मैं अपने लफ्ज दा जी, मेरी बेटी दा काजम कजवीनी अपनी किताब च लिख दे, मेरी बेटी दा जहेज घेनो। 50 दिरहम च सलमान ते बिलाल ने पैगंबर दी बेटी दा जहेज घिदा। बीबी अपने घर आई, यानी मौला अली दे घर आई ते आवाज बुलंद हुई है, हे कोई जेड़ा मेरे को अल्लाह दे नाम ते लिबास देवे। दई को आखा है दई ओ पुराना लिबास ले, ए पैगाम है मेरा उन बीबियां वास्ते जेड़ियां शौहर को ताने देंदियां कि मेरे इतना लिबास होवे ना, तू तो कोई एडा गरीब है, मैं उठे माँ प्यो दे घर अच्छी है, जरा आ सीरत ज़हरा पढ़, हाँ वन कनीज वो पुराना लिबास चावा, मैं ओ पहनदियां ते शादी आला लिबास मैं सैला को देंदियां। अगली सुबह हुई नबी आए, दिठा बेटा वो कीमती लिबास आई, उरूसी वाला लिबास आई,
नवा लिबास आई वो लहा छोड़ाई ये पुराना लिबास बाबा साइला ने मंगे ते मैं हूँ को दे छोड़े। रसूल फरमाया यो पुराना तो दे सकती हाँ मैं आदि बाबा तैं मुहम्मद दी थी हूँ मंगे अल्लाह दे ना ते दिया दे पर्दे होनी सोना मुतवज्जे हो गए। खदीजतुल कुबरा दा आखरी वेला आया रसूल फरमाए इतना बढ़िया कुर्बानियां दीतिया नी मांग क्या दे बीबिया जे कुछ ना मंग दी इो कुछ मंग दिया मेरे बाद मेरी धी ना रोवे। रसूल फरमाया मेरी जिंदगी ना रोसे इज्जत वाले लोग जरा मौला अली नाल टोरन लगे ना अली दा मुँह चूमे ने धी दा ही मुँह चूमे ने मेरी मामा भेणा धी नाल रसूल एक गल कीती है फरमाया बेटा अली ते कोई इहो जी फरमाइश ना करी जेड़ी अली पूरी ना कर सके ते अली को दे के आखन लगे या अली मेरा पोत्र कहनी मेरी हिका धी है अली मेरी धी तेरे कोल अमानत है। हुन रसूल दा वक्त आखिर आया नबी दा सर हद धी दी झोली च दकल बाप थे बीबी पूछे कौन तेरे बाबे दा मुलाकात थी बीबी अजे बाबे दी तबीयत ठीक नहीं वापस वल वन वल कुंडी खड़की है बीबी अजे कौन आदे तेरे बाबे दा मुलाकात थी बीबी अजे वापस वल वन इज्जत वाले लोग हो जाए त्रीजी दफा कुंडी खड़की है ना हुन बतूल रो पई है जहरा दा रोना हा गरा मासू नबी दे चेहरे ते आए रसूल दी अख खुली है धी आले पासे देख के आदन अजा ता मैं जींदा देखो काय रोआ है बाबा दरवाजे ते मुलाकात ही है हुन रसूल रो पाए बीबी अजे बाबा पहले मैं रुनी आते रोका है वे तुसा क्यों रो पाए हो फरमाया जे दरवाजे ते मौत दा फरिश्ता रोक वेंदे ही दरवाजे को भा ला दे से दियां दे पर्दे होनी सोना मुतवज्जे हो गए जी बिस्मिल्लाह करा आवे है ना दरबार नबी उठी खड़ता आ दिए बाबा मैं तो तेरी धी हां बाबा मैं तो कई बारी आवना है नबी फरमान नाते को कई आखे जो मैं धी समझ के उठदा जदा तू आंदी हुक्म होंदा मेरी कनीज आ गई उठी नारे दसना चांदा लोगो मेरे बाद मेरी धी ज्यादा देर ना खड़ा है। उस्ताद उलमा किबला सैयद मोहम्मद यार शाह साहब ने जलालपुर पीर आले एक सैयदजादी दे जनाजा पढ़ावन गए गडन आला जरा जनाजे ते सैयद ने रश दिठा ना जनाजा छोड़ ते कमरे च दाखिल थी गए कुंडी दे ते धाड़ा मार के रोवन लगे मोमिनीन पूछा किबला क्यों पे रोंदे हो रोते फरमावन लगे मे को डाडी जहरा दा जनाजा याद आ गए सदा वजा रहे सदा वजा सोना जोड़े बिस्मिल्लाह कर जी बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह कर जी फरमावन लगे जी जी बिस्मिल्लाह कर फरमावन लगे ए ता आम बंदा है जिम्मेदार है एमपीएम ने हो से मैं डाडी दे जनाजे को याद करते पिया रोना जेंदे जनाजे ते बड़ी मुश्किल नाल नौ बंदे आए सदा वसा रहे सदा वसा रहे बिस्मिल्लाह करा दिया दे पर्दे होनी अशिया सुनी भाईया 28 को रसूल टूर रही त्रै रबीउल अव्वल ले जड़ा दरवाजे को भा लगी है मैं तई ने पढ़े 5 रबीउल अव्वल हा प्यो दी कब्र ते आई बैठी है रोत एक गल कीती है आदिए बाबा बाबा मेरा सक्का फिरा हो गया ना मेरे को घर रच ना मारे ना तवज्जो तवज्जो करें न्याज मौला तवज्जो करें बाबा मेरा सक्का फिरा हो गया ना
मेरे को घर रच ना मारे ना। अच्छा ही दरवाजे की अजमत का साथ छोड़ा सोना जो रो पाए कहीं बंदे हजरत सलमान फारसी तू पूछे सलमान तू जो मुहम्मद दरवाजे ते वेंदी इन दरवाजे के उत्ते आयत लिखी खड़ी है दसा सकते हो केड़ी आयत है। सलमान आदे ते को कई आखे जो मैं मुहम्मद दरवाजे ते सर ऊंचा कर दे खड़दा मैं कई दे दरवाजे ते सर झुका के खड़दा सदा वजा रहे सदा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा जी बिस्मिल्ला कर जी बिस्मिल्ला करा। उन्नीवी या इकवीवी रात ख्वाब बिलाल को रसूल मिले फरमाने ताई मेरी औलाद छोटी थी है सुबह हुई है तो बिलाल भजदा है पैगंबर के दरवाजे ते है दुकल बाप की ते सवजो खने गरण आला बाहर आयन हसनैन पहला सवाल हजरत बिलाल की ते हसनैन एक घर का दरवाजा कदा बदलियो जदा बिलाल आखे ना घर का दरवाजा कदा तब्दील किते वे शहजादे रोते आदे नाना ते को दरवाजे का पता नहीं तो वत अम्मा दे पास का ही पता कोई नहीं चिट्ठी यारों दी वली आई मुहम्मदी दी शरीफ अदादारा कौन रोंदी वली है जहरा मैं आदराना जीवे वेचना ले फिरा है गिनना लाया को गोवया मंगना ले बतूलाई मिंबर दे रसूल होया जहरा जी बिस्मिल्ला खना जहरा रोदी न वल्ले जी बिस्मिल्ला करा भीरो बिस्मिल्ला करा जी बिस्मिल्ला करा जी में बेचन ले मातम सारे करा जे कर सकदे ओ पुरसा दे ओ मुहम्मद दी शरीफ दादारा शाम होदी पई है इथा तद पुरवण दा पता नहीं लगना जड़ा मर ते तै कब्र च बजना है ते को अपने छोड़ा सन सिरा दो हुसैन अब्बास कब्र ला पुछदा है कौन है बिस्मिल्लाह करा मिंबर के रसूल होया मंगण अली बतूल होया मैं आदरा नाशिया सुनिया अल्लाह ते को तौफीक देवे उम्र ते लगावां मगरे ते इशा दी नमाज मुहम्मद रोजे ते पार जदा फारिग थी ने वत बहर निकल जन्नत अल बकीरे वला मुहम्मद रोजे ते कमर कम दू हजार बल्ला पिया बल्ला है सामने मुहम्मद दी दी कबर उठा दी वाई नी बल्ला अल्लाह दी कायनात जे पहली कबर जे दे पहरा लगा होया है सदा वजा रहे सदा मातम सारे जी बिस्मिल्लाह करो मातम सारे करो सुना रो पे सदा वजा रहे जी हाथ ना बदो हाथ ना बदो बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा ए पर्दादार तोरे नाल है अल्लाह दी कसम है जदा घर वाले से लेके धियां नहीं सुजान से
अल्लाह लानतुल्लाह।